हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी। अगर आपको जानना है कटहल की सब्जी टेस्टी सब्जी एकदम कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कटहल का सब्जी बनने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया है 750 ग्राम कटहल। इसको हमने अच्छे से काट लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद डाल दिया है हमने धनिया पाउडर 2 चम्मच। अब डाल देंगे इसके अंदर हम रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच। अब डाल देंगे इसके अंदर कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच। अब डाल देंगे इसके अंदर नमक हमने यहाँ 1 चम्मच डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे ले लिया है हमने प्याज, और प्याज को हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 1 पैकेट चिकन मसाला, और इसको अंदर डाल देंगे हम लोग। अब हमने यहाँ पे ले लिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अब इन सबको हम लोग आपस में मिक्स कर देंगे, और मसाले को अच्छे से कटहल के साथ और प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अच्छे से इसके अंदर मसालों को मिक्स करना है, जिससे मसाले की एकदम अच्छी कोटिंग इसके ऊपर हो जाए। तो देख सकते हैं, अब कोटिंग करने के बाद इसको हम लोग 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे। तो तब तक हम लोग मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे हम लोग काला मिर्च 1 चम्मच। इसके बाद डाल देंगे हम लोग इसके अंदर 1 चम्मच जीरा। अब डाल देंगे इसके अंदर हम लोग खड़ा गरम मसाला है हमारे पास, ये डाल देंगे हम लोग 1 चम्मच। इसके बाद यहाँ पर डाल दिया हमने यहाँ पे लहसुन भी हमने 1 बड़ा साइज़ का डाल दिया इसके अंदर छील के। अब डाल देंगे हम इसके हम लोग 2 अदरक, तो 2 अदरक को हम लोग बारीक काट के डाल दिया। इसके बाद डाल देंगे यहाँ पे हम लोग 1 प्याज, तो 1 बड़े साइज़ के प्याज को हमने काट के इसके अंदर डाल दिया। अब मिक्सी के ढक्कन को हम लोग बंद करके इसका चला लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, तो उसको हम लोग एक अलग कटोरी में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट बन के रेडी हो, तो इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको चारों मसालों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा मसाले का पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे फ्राइंग के प्रोसेस पे। तो सबसे पहले हम लोग सरसों का तेल लेंगे और उसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। तो देख सकते हैं, अब जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे हम लोग 1 छोटा चम्मच हींग का। हींग डालने से जो तेल का झांस होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब डाल देंगे यहाँ पे लाल मिर्च 3, उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे 4 तेज़पत्ता। इसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। अब डाल देंगे इसके अंदर हम लोग 1 लहसुन। अब डाल दिया यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज काट के, इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। प्याज को अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो इन सबको चलाते हुए हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से प्याज को हमें भूनना है, जिससे गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं मसाले। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर मसाले डाल देंगे हम लोग। मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देते हैं, और मसाले को हम लोग 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं मसाला अच्छे से फ्राई होने लग गया है। तो देख सकते हैं मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं हमने जो पनीर का बना के रखा हुआ था इसके मैरिनेशन करके, उसको हमारा 30 मिनट्स हो चुका है। तो इसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इस मेथड से अगर आप कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा। आप इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देख सकते हैं कटहल डालने के बाद इसको हम लोग 5 मिनट तक अच्छे से इसके अंदर डाल के फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से हमारा इसके अंदर मसाला मिक्स हो चुका है बहुत अच्छे से। तो अब लोग यहाँ पे डाल देते हैं मेथी। हम लोग यहाँ मेथी को क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे, और मेथी डालने के बाद फिर से हम लोग इसको एक बार अच्छे से चला देते हैं। आपको इस टाइम पे गैस का फ्लेम है उसको मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, वरना सब्ज़ी जलने लग जाएगा। अब देख सकते हैं इसके अंदर हमने डाल दिया 1 गिलास पानी। अगर आप बिना ग्रेवी वाला सब्ज़ी बनाना चाहते हो तो सब्ज़ी रेडी हो चुका है, इसको आप थोड़ी देर और पका के उतार सकते हो। लेकिन अगर आपको ग्रेवी चाहिए इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पे पानी डाल दिया इसके अंदर। अब हम लोग को यहाँ पे 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से पानी डालने के बाद पका लेना है।
तो देख सकते हैं सब्जी डालने के बाद ये पकने लग गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।